practitioner, practitioner हूँ उसी के साथ साथ I am the director of medical classes at अमरावती महाराष्ट्र. तो आज हम बात करने वाले हैं WBCs के बारे में. WBCs मतलब हमारे खून में रहने वाली सफेद पेशियां. तो इनकी जो कुछ भी एवरेज वैल्यू रहती है हमारे ब्लड में 3000 से लेके 11000 क्यूबिक सेंटीमीटर. अगर समझ लो इसकी वैल्यू 3000 से कम हुई तो उसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया. मतलब WBC का अभाव होना, WBC की खून की खून में कमी होना. तो ऐसे कंडीशन में जो WBC हमारी इम्यूनिटी बनाती है वही WBC अगर कम होगी तो हमारे शरीर में आने लगते हैं बाहर से अलग अलग इन्फेक्शन. ठीक है, मतलब हमारी इम्यूनिटी हो जाती है कमजोर. और उनकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ब्लड में होती है 11000 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर समझ लो उनकी वैल्यू 11000 से ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमारी इम्यूनिटी भी ज्यादा बढ़ेगी. उल्टा हमारे शरीर में शुरू होने लगेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारे शरीर के ही जो कुछ भी WBCs है हमारे ही शरीर पर अटैक करने लगते हैं और उस वजह से होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. इनके बारे में हम पैथोलॉजिकल चैप्टर में पढ़ेंगे. उसी के साथ साथ अभी बात करते हैं WBC के बारे में. WBC होती है टोटल 5 तरह की. ठीक है, एक रहता है इओसिनोफिल, एक रहता है बेसोफिल, एक रहता है न्यूट्रोफिल, और फिर रहता है मोनोसाइट और रहता है लिम्फोसाइट. तो ये पांचों भी WBCs मिलकर हमारे शरीर की मेंटेन करते हैं इम्यूनिटी. तो ये जो इओसिनोफिल और बेसोफिल है इनका जो मेन काम होता है हमारे शरीर में बाहर से आने वाले एलर्जन, ऐसी चीजें जिनसे हमको एलर्जी होती है. जैसे कोई विशिष्ट प्रकार का खाना, किसी किसी को दूध अंडों से एलर्जी होती है, किसी किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, फूलों से एलर्जी होती है, किसी किसी को परफ्यूम से होती है, किसी किसी को धूल मिट्टी से होती है. तो ये एलर्जन को रोकने के लिए हमारे शरीर में होते हैं इओसिनोफिल और बेसोफिल. उसके बाद हमारे शरीर में मेन काम करता है हमारा न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल का काम होता है इम्यूनिटी को मेंटेन करना, उसी के साथ साथ हमारे शरीर में बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना, खत्म कर देना. तो जैसे ही हमारे शरीर में बाहर से बैक्टीरिया आता है ये न्यूट्रोफिल जाके उसको कर लेता है एंगल्फ, मतलब उसको कर लेता है डाइजेस्ट. न्यूट्रोफिल को डाइजेस्ट कर लेने के न्यूट्रोफिल ने इन्फेक्शन को डाइजेस्ट कर लेने के बाद न्यूट्रोफिल खुद बन जाता है पस सेल और हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है. लेकिन कभी कभार इन्फेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब टीबी और लेप्रसी. इन दोनों भी कंडीशन में न्यूट्रोफिल से वो बैक्टीरिया कंट्रोल नहीं होता. इस वक्त न्यूट्रोफिल को मदद करने के लिए हमारे शरीर में आ जाती है मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स जो है वो न्यूट्रोफिल और वो इन्फेक्शन इन दोनों को एंगल्फ कर लेगी, दोनों को खा लेगी और इन्फेक्शन को करेगी कंट्रोल. लेकिन अगर इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वहां पर मोनोसाइट 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 मिलकर एक बड़ा के बड़ा बन जाता है जायंट सेल. ये जायंट सेल, ठीक है ना, हमारा न्यूट्रोफिल, इन्फेक्शन और मोनोसाइट ये तीनों को भी खा लेगा और हमारे शरीर से पूरी तरह से निकाल फेंकेगा, उनको खत्म कर देगा. तो इस तरह से WBC मदद करते हैं हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनाने में. इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर का रक्षण करने में. सबसे आखिरी में आता है हमारा लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट बनाता है इम्यूनिटी, वो दो तरह की, एक रहती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी रहती है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं CMIS एंड AMIS. तो जो टी लिम्फोसाइट रहेगा, लिम्फोसाइट के दो प्रकार, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट. तो जो टी लिम्फोसाइट रहेगा वो टी लिम्फोसाइट कंट्रोल करता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट को. टी लिम्फोसाइट ये चार लोगों को कंट्रोल करता है, इसलिए वो बनाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम. दूसरी बात, अगर समझ लो हमारे शरीर में एक ही इन्फेक्शन बार 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 आ रहा है, तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी परमानेंट उपाय ढूंढती है, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी. तो ये एंटीबॉडी बनाने का काम होता है हमारे शरीर में रहने वाले बी सेल्स का, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी, उसको हम कहते हैं IgG
और IgM, ये दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बी सेल्स बना लेते हैं एंटीबॉडी। मतलब समझ लो हमारे शरीर में पोलियो का वैक्सीन आता है, पोलियो का वैक्सीन जो कुछ भी रहता है जो हम पोलियो के लिए लेते हैं, तो ऐसे समय अगर समझ लो किसी पर्सन को पोलियो होता है, मतलब उसके शरीर में पोलियो का वायरस आता है, तो उसके शरीर में पहले से ही मौजूद रहती है एंटी पोलियो वायरस नाम की एंटीबॉडी। ठीक है ना, मतलब कोई भी अगर समझ लो बाहर से आने वाला इन्फेक्शन हमारे शरीर में आते ही खत्म हो जाता है, इसका मतलब हमारे शरीर में उसके लिए है एंटीबॉडी। तो आज हमने बात की WBCs के बारे में, जो कुछ भी हमारे बॉडी की बनाती है ओवरऑल इम्यूनिटी। WBC का जो कुछ भी पूरा एक्सप्लेनेशन इम्यूनिटी चैप्टर में होगा, तो हमारा वो चैप्टर भी देखना जरूर। ठीक है, धन्यवाद।